सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूँ नामिका। खबर जो है वो मधुबनी से है। मधुबनी के जयनगर में गैस सिलेंडर के फटने से 3 लोग जल करके राख हो गए। खाना बनाने के दौरान हुए हादसे में मां बेटी की सुबह में ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल बेटे मयंक की भी पीएमसीएच में मौत हो गई। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में घायल पड़ोसी महिला की हालत अब ठीक है। मृतक की पहचान सोनी देवी जो कि 35 वर्ष की थी और उसकी पुत्री माही कुमारी जो कि महज 5 साल की थी के रूप में की गई है। हादसे से बस्ती पंचायत में अफरा तफरी मच गई है। मृतक के घर में मातम सा छा गया है। निश्चित रूप से जिसके घर में ऐसा हादसा हो वहां तो मातम छा ही जाएगा। 6:15 पर जयनगर शहर से सटी बस्ती पंचायत के कल की बात कर रही हूँ। पंचायत के 12 में रेलवे ट्रैक के सामने एक मकान में जोरदार धमाका हुआ। 1 किलोमीटर तक के लोग भीषण धमाके से दहल उठे। कुछ लोग आवाज सुनकर के दौड़े। धमाका इतना तेज था कि कुछ पल के लिए लोगों की सांसें थम गई। जब लोग घटनास्थल के पास पहुंचे तो घर से धू धू कर आग की लपटें उठ रही थी। धुएं के गुब्बार से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर घर के अंदर हुआ क्या है। लोग सिर्फ बाहर से कयास लगा रहे थे। इसी बीच पड़ोसियों ने मयंक को देखा। आग की लपटे उसे अपने आगोश में ले चुकी थी। किसी तरीके से उसे आग से निकाल करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आपको बता दें कि माँ बेटी, बेटा तो हॉस्पिटल तक पहुंच गया लेकिन माँ बेटी की बात करें तो आमिन फानन में लोगों ने आग को काबू में पाने के लिए पुलिस, अग्निशमन सहित अन्य जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सूचना दी। फायर ब्रिगेड से आग बुझाने के बाद प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण घर के अंदर घुसे तो चीख चित्कार जैसी मच गई। सोनी देवी और उसकी पुत्री माही आग में झुलस करके राख हो चुके थे। शव के रूप में मांस का लोथड़ा बचा हुआ था। पुलिस ने कपड़े में मांस के लोथड़े को बांध करके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। ये सारी घटना जो है वो कल हुई है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने काफी कुछ देखा था। ये पूरी की पूरी जो घटना है वो अपने आंख के सामने देखी थी। ग्रामीणों ने बताया कि मुकेश शाह के घर से धुआं और आग की लपटे आसपास के लोगों ने देखी थी। ब्लास्ट के बाद दूसरे कमरे में रह रही सोनी की जेठानी लड्डू देवी दरवाजा खोल करके चिल्लाने लगी। रेल ट्रैक के दूसरी ओर के लोग घटनास्थल पर पहुंच के दरवाजे को तोड़ करके आग के लपटों में पड़े मयंक को किसी तरीके से बाहर निकाल लिया लेकिन वो लड़का भी नहीं बच पाया। मृतक सोनी के पति मुकेश झा कई वर्षों से मुंबई में काम करते हैं। मुकेश और उनके तीनों भाई मुंबई में रहकर के काम करते हैं। बड़े भाई शंकर झा की पत्नी लड्डू झा सोनी के साथ घर पर रहती है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल मयंक झा की भी मौत हो गई है। जयनगर बस्ती में ब्राह्मण टोला में आग लग गई है। मैंने तुरंत अपने दल बल के साथ स्थल पर पहुंचा और मैंने देखा कि यहां एक महिला के जलने एवं एक बच्चे के जलने की सूचना है और आगे की कार्रवाई की। क्या इसमें सर मुआवजा का भी प्रावधान है? जो सरकार का प्रावधान है उसके अनुसार किया जाएगा।